पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। 1983 में रिलीज हुई डायरेक्टर राजकुमार संतोषी की फिल्म दामिनी में ऋषि कपूर और मीनाक्षी शेषाद्री लीड रोल में थे। हालांकि फिल्म की पूरी स्पॉटलाइट सनी देओल ने अपने किरदार से खींच ली थी। अब इस बारे में सालों बाद एक्ट्रेस मीनाक्षी ने चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भले ही ऋषि को फिल्म में ज़्यादा लाइमलाइट नहीं मिली, पर उन्होंने जितना भी काम किया वो कमाल का था। एक इंटरव्यू में मीनाक्षी ने कहा, सब लोग दामिनी में सनी को बहुत मानते हैं, पर मैं चिंटू जी को बहुत मानती हूँ। मुझे ऐसा महसूस होता है कि भले ही उन्हें फिल्म में बड़े डायलॉग्स नहीं मिले, पर उसके बावजूद उन्होंने जो काम किया वो लाजवाब था। उन्होंने अपने किरदार को जितनी शिद्दत से निभाया उसके लिए उन्हें हेड्स ऑफ। सिर्फ वो ही ऐसा कर सकते थे। भले ही लेखक ने उनके किरदार के साथ न्याय नहीं किया, पर उन्होंने अपने दम पर इस किरदार को यादगार बनाया। इस बारे में बात करते हुए ऋषि कपूर ने अपने मेमियार खुल्लम खुल्ला में भी जिक्र किया था। उन्होंने लिखा था, भले ही मैं इस फिल्म का हीरो था और सनी का इसमें गेस्ट अपीरेंस था, पर एंड में उनके किरदार को खूब तालियां मिली। भले ही सनी का काम मुझसे बेहतर था, उनका रोल भी ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर गया, पर मेरा कैरेक्टर प्ले करना बहुत मुश्किल था। फिल्म दामिनी में मीनाक्षी ने एक ऐसी महिला का किरदार निभाया था जो अपने परिवार के खिलाफ जाकर अपनी हाउसमेट को न्याय दिलाती है। ऋषि ने फिल्म में दामिनी के पति का किरदार निभाया था जो अपने रेपिस्ट भाई को बचाने की कोशिश करता है। वहीं सनी देओल फिल्म में दामिनी के वकील बने थे। यह उस साल रिलीज हुई सबसे ज्यादा कमाई करने वाली छठी फिल्म थी। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।